गैस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच ऐसे फन एंड इजी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स जो कि आप लोग अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। और इन प्रोजेक्ट्स को ऐड करने के बाद और इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आएगा, दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप लोगों के लिए पहला प्रोजेक्ट आइडिया जो मैंने सोच के रखा हुआ है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक आइडिया है और आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा आइडिया सुनकर। अगर आप लोग एक क्रिकेट लवर हैं या किसी भी स्पोर्ट के लवर हैं, वो क्रिकेट नहीं हो सकता, आप इसको अपने फेवरेट स्पोर्ट जैसे कि फुटबॉल, बैडमिंटन या कोई दूसरा स्पोर्ट अगर है उसके लिए आप लोग इसको काइंड ऑफ कॉपी कर सकते हैं, एक डिफरेंट वर्जन इसका बना सकते हैं। मैं अगर आप लोगों को क्रिकेट के लिए बनाता हूँ, मान लो बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिकेट में बॉलर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं उनका डेटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुमराह ने यॉर्कर बॉल में ऑस्ट्रेलिया में होम ग्राउंड में किसको आउट किया, रिजल्ट क्या हुआ उस बॉल का जब उसने ये वाली बॉल डाली, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सेट ऑफ फीचर्स बना सकते हैं और जो लेबल होगा वो रिजल्ट होगा। लेबल हो सकता है या तो बॉल पे छक्का पड़ा, या बॉल पे आउट हुआ, या फिर चौका लगा, या फिर मे बी वो एक डॉट बॉल हुई, या फिर उस बॉल पे जो है एक रन गया। तो कुछ हमारे लिमिटेड जो लेबल्स हैं, जो हमारा आने वाला है रिजल्ट, उसके वो लेबल जो है कुछ लिमिटेड होने वाले हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, फीचर्स बनाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग लेबल्स बनाएंगे। फीचर्स के करस्पॉन्डिंग लेबल्स, आपके पास आ गया बहुत सारा डेटा। अब अगर आप लोगों को अपने इस बॉलर को रेकमेंड करना है कि भाई देखो, तुमने जब होम ग्राउंड में खेला था तब तुमने जब यॉर्कर बॉल डाली थी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को इन इन कंडीशंस में, तो छक्का नहीं लगा था। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मशीन लर्निंग सिस्टम बना सकते हैं जो कि क्या करेगा, जिसको आप लोग ट्रेन कर पाओगे, और ट्रेन करने के बाद आप उस प्लेयर का सारा डेटा डालोगे जो भी फीचर्स हैं, और आप कहोगे कि यार आपको इस सिचुएशन में कौन सी बॉल डालनी चाहिए, क्या वो यॉर्कर डालनी चाहिए, क्या आपको शॉर्ट बॉल डालनी चाहिए, शॉर्ट पिच डालनी चाहिए, क्या लाइन रहे, क्या लेंथ रहे, वो सारी चीज़ें आप लोग जो है उस बॉलर को बता सकते हो। और यही काम आप बैट्समैन के साथ भी कर सकते हो कि यार अगर ये वाली बॉल आए, वाइड बॉल आए, तो यार छोड़ दो क्योंकि आप सबसे ज़्यादा आउट हुए वाइड बॉल में। तो एक इंसान यहाँ पर खुद, अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार आप विराट कोहली को क्या बताओगे, वो तो अपने आप में इतने बड़े प्लेयर हैं, आप बुमराह को क्या बताओगे। तो मैं अगर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप लोग एक इंसान हैं तो आप लोग इतना सारा डेटा याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप लोग एक मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि आपका मशीन लर्निंग सिस्टम आप लोगों के लिए ये याद रखने का काम करेगा। और जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि जब ह्यूमन ब्रेन उतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाती है, तो कंप्यूटर वो कैलकुलेशंस कर लेता है। और अगर आप लोगों ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाकर डेटा फीड किया, सिचुएशन बताई मशीन लर्निंग मॉडल को कि यार ये सिचुएशन है, कौन सी बॉल डालनी चाहिए, या फिर ये सिचुएशन है हमको छक्का चाहिए तो हमें कैसे खेलना चाहिए, तो ये सारा डेटा फीड करके आप लोग एक बहुत अच्छा मशीन लर्निंग सिस्टम बना सकते हो। अब आप में से कई लोग कहोगे यार मेरे पास ये डेटा कहाँ से आएगा, मेरे पास तो डेटा ही नहीं है। और आप लोगों में से सबसे ज़्यादा लोग जो भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, वो लोग इसको अगर नहीं करेंगे, अगर बाई एनी चांस वो लोग नहीं करते इस प्रोजेक्ट, तो उसका रीज़न ये होगा कि उन्होंने डेटा कलेक्ट नहीं किया, वो कलेक्ट नहीं कर पाए डेटा। तो मैं आपको बता रहा हूँ डेटा कैसे कलेक्ट करना है। आप अपने पांच दोस्त पकड़ो, और किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए ये लागू होती है बात, आप अपने पांच दोस्त पकड़ो, पांच अलग अलग मैचेस पकड़ो, और बैठ के यहाँ पर एक्सेल में बैठ जाओ आप लेके कि भाई कितने विकेट्स निकाले, किसने कौन सी वाली बॉल पे निकाले। भले ही आपका डेटा छोटा होगा, लेकिन आप लोग इसको एक POC यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे दिखा सकते हो कि यार हमने इस डेटा को सिमुलेट किया 39 डेटा पॉइंट्स के लिए। अब 39 डेटा पॉइंट्स बहुत कम है, बट अगर आपका मॉडल उसके बाद भी 39 डेटा पॉइंट्स पर भी इफेक्टिव आता है, तो ज़रा सोचो इस चीज़ को एक बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है किसी भी स्पोर्ट के लिए। तो ये एक आइडिया था जो कि मेरे दिमाग में है, और मुझे लगता है कि यार ये आइडिया बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मूव करूंगा यहाँ पर अगले आइडिया की तरफ, जो कि है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, यानी कि आप लोग हाथ से 1 2 3 4 ABCDEF ये सब चीज़ें लिखते हो, या फिर अगर आप हिंदी में काखा गाघा भी लिखते हो तो अगर आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। अगर आप लोग इंडिया में रहते हो, आप एमनेस्ट जैसा डेटा अगर बना दो अपना हिंदी लैंग्वेज के लिए, यानी देवनागरी लिपि के लिए अगर आप लोग बना दो इस चीज़ को, और आप लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाओ तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को नहीं पता एमनेस्ट डेटा सेट क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एमनेस्ट डेटा सेट है वो 1 2 3 4 हैंड रिटन कुछ नंबर्स हैं उनका डेटा है कि यार अगर किसी ने हैंड रिटन कुछ लिखा, उसकी इमेज आपको गिवन है, तो वो इमेज क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 रिप्रेजेंट करती है, 2 करती है, 3 के करस्पॉन्डिंग वो इमेज है, क्या है वो इमेज, उसको इंसान देख के तो बना देगा कि यार ये यहाँ पर 5 लिखा हुआ है।
लेकिन अगर आप लोग कंप्यूटर से पूछेंगे तो कंप्यूटर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और इसीलिए हमको मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं तो वो डेटा से लर्न करता है, और अगर कंप्यूटर डेटा से लर्न कर पा रहा है देन इट्स अ बिग गेन। आप लोग किसी भी तरह की हैंड राइटिंग को, किसी भी तरह के इंसान द्वारा लिखी गई आप दे सकते हैं कंप्यूटर को, वो एक मॉडल बिल्ड करेगा, और मॉडल बिल्ड करने के बाद होगा क्या कि जो उसका आउटपुट होगा वो आप लोग को बता देगा, और कुछ उसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी जो है वो ख़राब हो सकती है, 95% एक्यूरेसी आ सकती है, 99 आ सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत भी अच्छी एक्यूरेसी आ गई तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप एक का खा गा खा हैंड रिटन देवनागरी लिपि में कैरेक्टर्स के लिए इस चीज़ को सिम्युलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगा आप लोगों से, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि यार ये सिंपल प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में आपको ऐड करने चाहिए। मैंने से कि आपको इसको अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहिए, आई डोंट मीन कि आपको इसको हाईलाइट करना चाहिए, एमनेस्ट का एक पूरा सेक्शन बना दो, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने गिटहब में इस चीज़ को लगा सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या आपने एमनेस्ट यूज़ करके मॉडल बिल्ड किया है, उसका जवाब ना नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हो कि मैंने अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक शेयर किया है, ये वाली रेपो में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अपने इंटरव्यूअर से कह सकते हो यार मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो होता ये है कि जब आप इस तरह की सेटिंग में होते हो और आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपके किसी एक सिंपल ही भले ही क्यों ना हो, जैसे कि एमनेस्ट बहुत सिंपल माना जाता है, अगर कोई सिंपल से प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्टेड है तो वो देख पाएगी यार आपने उस सिंपल चीज़ को कैसे किया है। मान लो मैं यहाँ पर हैंड रिटन हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन पे काम करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको भी हायर करूँ वो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज करे, तो मैं यही चाहूँगा ना कि यार कोई भी मैं हायर करूँ इंसान वो मुझे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन करने का एक्सपर्ट मिल जाए, वो इंसान एक्सपर्ट हो इस काम में, तो मैं देखूँगा कि यार उसने एमनेस्ट में अगर यही ML मॉडल बिल्ड किया है तो कैसे किया है, मैं देखना चाहूँगा उसको, इसीलिए मैं उसकी गिटहब प्रोफाइल में झांक जाके बार बार देखूँगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिंपल सिंपल जो बहुत फेमस प्रोजेक्ट्स हैं डेफिनेटली आप लोगों को ऐड करने चाहिए अपनी गिटहब प्रोफाइल में, भले ही आप उसका एक अलग से बेसिक पाइथन प्रोजेक्ट्स, बेसिक ML प्रोजेक्ट्स ऐसे करके आप अपनी गिटहब में उसको डाल दें, या बेसिक वेबसाइट्स, बेसिक लैंडिंग पेजेस काइंड ऑफ आप अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स करके डाल देते हो गिटहब में, तो आप लोग बता सकते हो अपने इंटरव्यूअर को या जो भी आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट रखता है कि यार मैंने ये काम ऑलरेडी कर रखा है एंड हेयर इट इज़। यहाँ पर मूव करना चाहूँगा अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ जो कि है हमारा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। और मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने एंड टू एंड कराया हुआ है आप लोगों के लिए इस चैनल पर। अगर आप लोग एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट सर्च करेंगे इस चैनल पर तो आपको मिल जाएगा, करीब 3-4 घंटे का वीडियो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को एंड टू एंड शुरू से लेके आखिर तक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मशीन लर्निंग लगाकर किस तरह से मॉडल बिल्डिंग की जाती है, और मशीन लर्निंग लगाकर आप लोग कैसे अपने मॉडल्स को बिल्ड करके और उसके बाद उनको इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर जाकर बाद में ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो एस्पेक्ट से मशीन लर्निंग के वो सिखाएगी। प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से है कि एक हाउस है, उसके फीचर्स दिए हुए हैं कि यार उसमें कितने कमरे हैं, उसमें वो कहाँ पर है, कितना बड़ा घर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दी हुई हैं। करना क्या है आप लोगों को, आप लोगों को उसके हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, उस हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। अब जो डेटा मैंने इस्तेमाल किया हुआ है वो बॉस्टन का डेटा है और कैलिफोर्निया का डेटा है, सॉरी वो कैलिफोर्निया का डेटा है और कैलिफोर्निया का डेटा इंडिया के डेटा से थोड़ा सा ऑफ तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ कि आप लोग इसी प्रोजेक्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करो, क्योंकि यार अगर आप सेम चीज़ कर देते हो सेम डेटा उठा के तो क्या फ़ायदा। आप थोड़ा डेटा कलेक्ट करो, थोड़ा डमी डेटा बनाओ। आप अगर 25 दोस्त भी हो या फिर अगर आपके क्लास में 100 लोग भी पढ़ते हैं और आपने सबने डिसाइड कर लिया कि यार हम सब 50-50 डेटा पॉइंट कलेक्ट करेंगे, तब भी यार 5000 डेटा पॉइंट्स ऐसे ही आप लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है। तो आप एक रीजनेबल ML मॉडल बिल्ड कर सकते हो, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगा, बट हाँ आप लोग एक बेसिक ML मॉडल उससे बिल्ड ज़रूर कर सकते हो। तो आप लोगों को ज़रूर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में ले आओ, पहले एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ले आओ। अगर यार वो किसी ने अमेरिका में या फिर UK में US के डेटा को यूज़ करके किया हुआ है, आप ये देखो कि उस डेटा का इक्विवेलेंट हमारे इंडिया में क्या है, जहाँ आप रहते हो वहाँ पर क्या है, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ उस चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है किसी भी इंसान को, चाहे वो इंटरव्यूअर हो, चाहे वो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर आप लोग एक स्टूडेंट हो और अपने टीचर को आप दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट, वो हर इंसान को इंक्लूडिंग मी इंप्रेस करती है कि यार किसी इंसान ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो यार अपने कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व किया, ये नहीं कि वो सेम डेटा को उठाकर सेम काम कर रहा है जो कि शायद सेम 2-4 हज़ार लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ। और अगर आप लोग एंड टू एंड बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट मेरे साथ, तो यार मैंने वीडियो डाल रखा है और लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आई बटन
कहीं पे डाल दूंगा, बट आप लोग जो है सर्च करके भी देख सकते हो। और इसके बाद जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि यार ये मुझे इस्तेमाल करना पड़ गया था और मैंने अपने भाई को बोला था कि यार इसको जल्दी बिल्ड कर मॉडल को, क्योंकि यार ये हमें चाहिए। मतलब ये एक ऐसा मॉडल है, ठीक है, हम लोग कार्स देख रहे थे, हम लोग सेकेंड हैंड कार्स देख रहे थे मेरे एक छोटे भाई के लिए जिसको कार चलाना आती नहीं है, और ताकि वो ठोक ठाक ना दे, वो भी चाहता था सेकेंड हैंड कार लेना। तो हमने कार्स देखना स्टार्ट करी, हम इधर उधर गए, हमने OLX पे देखा, हम इधर गए उधर गए, क्रॉस सिटी भी गए देखा। तो हम लोग ये सोच रहे थे यार कोई एक, जैसे मान लो कार है कोई स्विफ्ट डिज़ायर या फिर हुंडई i10 i20, अगर कोई इंसान कोई भी कार महंगी दे रहा है तो यार हमको कैसे पता चलेगा वो महंगी दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे उन कार्स का जो कि ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। और ये डेटा कहाँ से आएगा, ये डेटा आएगा आपके पास OLX से, क्विकर से, वर्ड ऑफ माउथ से। अगर हमने ऐसी 100 200 500 कार्स भी कलेक्ट कर ली तो हम एक बेसिक ऐसा मॉडल बिल्ड कर सकते हैं जो कि कार्स के प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा, यूज्ड कार के प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा। और फीचर्स क्या होंगे हमारे, कितना किलोमीटर्स वो चली हुई है और उसका जो बेस मॉडल का माइलेज है वो कितना है, उसका बेस मॉडल कितने रुपए का मिल रहा है अभी मार्केट में, तब मार्केट में कितने रुपए का मिल रहा था, ये फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है कि यार जब उसने खरीदी थी, मान लो 2014 मॉडल है, उसने खरीदी थी तो उसने कितने की खरीदी, और हमें अगर मिल रही है वो गाड़ी तो अभी अगर हम नई लेने जाते हैं तो वो कितने की मिल रही है, उससे पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा होता है। तो एक मॉडल अगर बिल्ड किया जाए इस कॉन्टेक्स्ट में तो होगा क्या है कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल आपके लिए वो काम करेगा जो कि आप शायद गूगल में देख के करोगे, 10 लोगों से पूछ के करोगे कि यार ये गाड़ी सही है क्या, ये गाड़ी के बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहा है पैसे, इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। और इस प्रोजेक्ट का एक V2 भी बताता हूँ आप लोगों को, आप एक वेबसाइट बना सकते हो और मैं बता रहा हूँ ये वेबसाइट आपकी पॉपुलर हो जाएगी। एक अच्छी वेबसाइट बनाओ, उस वेबसाइट के बैकएंड में एक मॉडल रन करो, और वो जो मॉडल होगा वो क्या होगा, वो आपकी यूज्ड कार की जो प्राइसिंग है उसको बताएगा कि यार अगर कोई यूज्ड कार 2014 मॉडल है, 20,000 किलोमीटर चली हुई है या फिर 60,000 किलोमीटर चली हुई है जितनी भी है, और उसी के साथ साथ अगर वो इतने का माइलेज देती है तब उसका प्राइस ये था, अब उसका प्राइस ये है, और उसमें कोई डिफेक्ट्स अगर हैं, एक्सीडेंटल यस नो, स्क्रैचेस 1 से लेके 5 तक आप उसको दे सकते हो, स्क्रैचेस कितने हैं उस पर, अगर 2 है दैट्स फाइन, कम स्क्रैचेज हैं, अगर 5 है तो आप 5 तक दे सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप देख सकते हो, टायर्स की कंडीशन, और भी बहुत ज़्यादा आप किसी कार एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, आपको अच्छा बता देगा मुझसे, बट दिस इज़ अ बेस आइडिया जो कि मेरे दिमाग में आया और ये बनाकर काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये एक प्रोजेक्ट आप लोग ज़रूर से बिल्ड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसको यूज़ करके दिखाते हो किसी को कि भाई देखो आपको गाड़ी लेनी है, आप इसका लाइव डेमो दे सकते हो अपने इंटरव्यूअर को। यार अगर आपका इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू ले रहा है तो आप इसका लाइव डेमो दे सकते हो, आप खोल सकते हो OLX वेबसाइट, आप कह सकते हो कि यार ये गाड़ी इतने की मिल रही है, मेरे मॉडल के हिसाब से ये गाड़ी इतने की मिलनी चाहिए। और यार अगर आप लोग ऐसा करते हो तो यार ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल साबित हो सकती है। सो आई होप कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया, और इस पर कोई चीज़ ऐड वगैरह करनी है तो यार यू आर वेलकम इन द कमेंट्स, आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे यार अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है या आपको लगता है कि यार हैरी भाई ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें ये भी कर सकते हैं, यार मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में बताओ, एंड मे बी हम लोग इस चैनल पर उसको बिल्ड करें शुरू से, हु नोस, ठीक है। और मैं तो वैसे भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं एक बड़ा सा मैराथन वीडियो निकाल दूंगा 3-4-5-6 घंटे का, इसमें हम लोग ये सब चीजें बिल्ड कर रहे होंगे शुरू से। ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। और पांचवा जो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बताना चाहता हूं वो है हमारा स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। हाँ मुझे मालूम है कि ये प्रोजेक्ट हर कोई करने की कोशिश करता है और इस प्रोजेक्ट की जो है बहुत ज्यादा हाइप भी बनी हुई है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको बहुत सारे लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और मुझे मालूम है कि ये एक आसान काम नहीं है, एक स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये पता करना एक बहुत ईजी काम नहीं है, क्योंकि यार अगर किसी ने पता कर भी लिया तो वो तो यार करोड़पति बन जाएगा, बट आप लोग क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एल्गो ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करने की कोशिश करते हैं, आप एक सिंपल ML मॉडल इस चीज़ पर बिल्ड कर सकते हो जस्ट फॉर योर रिज्यूमे में, जस्ट अपने इंटरव्यू को दिखाने के लिए। मे बी आप किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में जाओ और वहाँ पर आप लोगों को पता चले कि यार वो लोग सारा काम जो है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन से करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन की वजह से जो है सारे के सारे पैसे कमाते हैं, तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगे और आप उनको आकर्षित करोगे, तो आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट अगर बनाते हो
तो एक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन के लिए आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वांडल है, क्वांडल करके डेटा स्टोर है, निफ्टी की वेबसाइट है, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हो, निफ्टी 50 की वेबसाइट पे आपको पास्ट डेटा सारा मिल जाता है कि निफ्टी कितनी है, आप सिर्फ निफ्टी पे इस चीज़ को कर सकते हो। खैर मैं निफ्टी का एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ और स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन पर मैं बैठ के बात करने लग गया तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करता हूँ कि यार आप लोग निफ्टी 50 की वेबसाइट पर जा सकते हो, क्वांडल को आप लोग देख सकते हो और आप लोग को जो है बहुत अच्छी तरह से सारा का सारा डेटा मिल जाएगा और एक बेस एमएल मॉडल उस चीज़ पर आप लोग टू स्टार्ट विद बिल्ड कर सकते हो। उसमें आप लोग फिर बाद में उसको उस मॉडल को रीबिल्ड कर सकते हो जब डेटा आपके पास ज़्यादा होगा या किसी और स्टॉक का डेटा भी आपके पास होगा। तो यार ये थे मेरे 5 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, इनफैक्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आइडियाज़, और आप लोगों को आई होप ये चीज़ पसंद आई। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ यार किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई चेंज आप लोग करना चाहो या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप लोग को ये लगता है कि यार इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ हो सकती थी तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट में बताओ, काफ़ी दिल से अच्छा लगेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।